हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। सो हम लोगों ने जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनके बारे में पढ़ लिया, नाउ वी आर मूविंग टू क्यूब्स एंड क्यूब रूट। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, और इस सेशन में सबसे पहले व्हाट एम आई गोइंग टू डिस्कस, आई विल डिस्कस अबाउट क्यूब्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब? सो अगर आप देखते हैं तो क्यूब जो वर्ड है हमारा क्या आता है, इट इज रिलेटेड टू सम जियोमेट्रिकल फिगर। जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो क्यूब हम क्या, अगर एक क्यूब वर्ड सुने तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, द फर्स्ट थिंग डेट कम्स फ्लैश आउट होती है, डेट इज कि इट इज सम जियोमेट्रिकल फिगर। और क्यूब जैसे अगर हम लूडो खेलते हैं, डाइस होता है, इट इज क्यूबिकल, और बॉक्सेस भी हमें क्यूब शेप के मिलते हैं, तो क्यूब इज यूज्ड इन ज्योमेट्री, है ना। सो दिस वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल टर्म। नाउ ये जो अगर वैसे एक सिंपल क्यूब को करें तो ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री में क्या होता है, इट इज समथिंग अ सॉलिड फिगर, और ये क्या है, इसकी जो ऑल साइड्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो क्यूब हम किसको कहते हैं कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसका अगर हम थ्री डायमेंशनल फिगर बनाए, तो अगर आप देखें तो दिस इज अ स्क्वायर। अब इसका थ्री डायमेंशन हमने ये लिया, दिस मीन्स ये जो है इस स्क्वायर का पीछे का, तो यू कैन जस्ट रिलेट इट विद द डाइस, द पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं। नाउ बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्यूब द ज्योमेट्रिकल थिंग। इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब नंबर्स। ये जो क्यूब नंबर्स है तो व्हाट, ये नंबर्स में क्यूब को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। ये जो होते हैं दे आर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स। तो जैसा हम लोग वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने क्या लर्न कर चुके हैं अबाउट स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो स्क्वायर मींस क्या हुआ, सपोज फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 6, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 6 raised to the power 2, दिस मींस वी मल्टीप्लाई 6 ट्वाइस एंड देन वी गेट द आंसर। तो 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। इन द सेम वे व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर थ्राइस, कैसे, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2, तो मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2 2 4 4 2 8, सो 8 विल बी कंसिडर्ड टू बी अ क्यूब नंबर। 8 क्या हो गया, क्यूब नंबर, मीन्स देयर इज अ नंबर उसको जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा देन वी हैव दिस नंबर। समझ में आया, एक बार और एक एग्जाम्पल और देख लें, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 3, आई मल्टीप्लाई 3 thrice, 1 2 3, 3 बार लिखा, तो 3 3 is 9 एंड 9 3 is 27, तो व्हाट इज दिस 27, दिस इज अ क्यूब नंबर। कुछ क्लियरिटी आई, कुछ समझ में आया, आया तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो अभी और हम डिस्कस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। नाउ जैसे हमारा 1 cube, तो आप जैसे जस्ट रिलेटेड विद द स्क्वायर थिंग, जैसे हम ऊपर 2 लिखते थे एंड देन जो नंबर के ऊपर वी यूज्ड टू राइट 2, वो नंबर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। इन द सेम वे 1 cube है, मीन्स मतलब जब आप किसी एक, कोई आपका ए नंबर है उसके ऊपर इस टाइप से है, दिस मीन्स इस नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इन प्लेस ऑफ ए देयर इज 1, तो 1 into 1 1 into 1, हमें क्या मिला, 1 cube, या हम कह सकते हैं 1, क्योंकि 1 1 1 1 1 1। नाउ अब हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, सपोज द नंबर इज 8, ठीक है,
तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, या हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 2 raised to the power 3, है या नहीं है। मतलब अगर हम दो टू नंबर को इफ वी मल्टीप्लाई 3 times वी विल गेट 8। सेम 27 को हाउ कैन वी राइट 3 into 3 into 3, तो दिस का सम्स आउट टू बी 3 cube। सो 27 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। नाउ अब 5 cube अगर हम ले रहे हैं, तो अब देखो पहले हम वी वर टेकिंग द नंबर एंड देन वी वर लुकिंग एट द क्यूब फॉर्म। नाउ क्या है, आई हैव रिटन 1 number इन क्यूब फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 raised to the power 3 means 5 into 5 into 5। तो जब व्हेन आई विल मल्टीप्लाई ऑल दीज 5, व्हाट आई विल गेट, 5 5s are 25 एंड 25 into 5 is 125। सो 125 क्या हो गया, 125 इज अ क्यूब नंबर। क्लियर हो गया। सो वी यूज जनरली वी यूज 2 terms, क्यूब एंड क्यूब नंबर, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस क्यूब, तो मींस यू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो अगर कहें फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4, तो फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4 के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 thrice, तो 4 4s are 16, और 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64। तो फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4, तो आपने ये स्टेप करा। अगर आपके पास 64 है, देन यू विल से 64 इज द क्यूब नंबर। क्या हम 4 को क्यूब नंबर बोल सकते हैं, कैन वी से 4 इज अ क्यूब नंबर, नहीं, क्योंकि देयर आर नो नंबर डेट इफ वी मल्टीप्लाई डेट नंबर थ्राइस वी कैन गेट 4। सो आपके नंबर्स हैं, तो नॉट वी कैन नॉट से ईच एंड एवरी नंबर इज अ क्यूब नंबर, ओनली देयर आर सम नंबर्स डेट कम इन द कैटेगरी ऑफ क्यूब नंबर्स, वो नंबर्स जो हम लोग मल्टीप्लाई किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जब हमें वो नंबर मिलता है, और वो मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, थ्राइस। नाउ दिस इज अ क्यूब टेबल, इस पर ध्यान दीजिए आप। ये क्या है, आपका नंबर 1 है, हमने इसका क्यूब करा एंड देन वी गेट 1। 2 है, 2 का क्यूब करा वी गेट 8। अब आपको समझ में आ गया, 3 का क्यूब करा 27, 4 का क्यूब 64। नाउ कैन यू फिल द टेबल, नाउ 5 cube means 5 into 5 into 5, 5 5s are 25, 25 into 5 is 125, सो आपने यहां पे 125 लिख दिया। कैन यू डू रेस्ट ऑफ इट, कर सकते हैं ना विदाउट एनी डिफिकल्टी, 6 cube 6 into 6 into 6, ओके। नाउ कमिंग टू 10, क्या हो जाएगा, 10 into 10 100, 100 into 10 1000, हमें करने का नीड है, सच अ सिंपल थिंग। अगर कंफ्यूजन है, देखिए 10 into 10 100, 100 into 10 1000, तो कैन वी से 100 टू बी अ क्यूब नंबर, नो 100 इज नॉट अ क्यूब नंबर, बट 1000 इज अ क्यूब नंबर, ठीक हो गया ना। अगर आपको स्क्वायर का याद होगा, तो उसमें हमने क्या करा था, जो जीरोस है हमारे दे विल कम इन पेयर्स, है ना, कि अगर हमें 100 का है तो हमें कितने बाद में हमें जीरो मिलेंगे, 4, बिकॉज 100 में देयर आर 2 0। सो लेकिन क्यूब में देखें तो ये दे विल गो इन द मल्टीपल ऑफ 3। डू यू गेट दिस। नाउ देयर आर सम मोर नंबर्स, और उनके पूरे कैलकुलेट करके हमने क्यूब्स आपके सामने मेंशन करे हुए हैं। ये मीन्स ये हमें कैसे मिला है कि जब वी के वी विल राइट इन दिस वे, ठीक है, दिस इज 11 क्यूब,
11 क्यूब और ये 11 क्यूब आ गया 1331, ऐसे 12 का क्यूब कितना हो गया 1728 एंड द लिस्ट इज हियर. नाउ द थिंग दैट वी नीड टू फोकस हियर क्या है, अब आप देख रहे हैं ना कि टेक द एग्जांपल जो अभी मैंने मार्क करा हुआ है 12 14 16 व्हाट आर दीस, कैसे नंबर है, इवन या ऑड, दीज आर ऑल इवन नंबर्स है ना, दे आर इवन नंबर्स है ना, दे आर, एम आई राइट, व्हाट डू यू से, यस ऑल दीज आर इवन नंबर्स. नाउ अब इनका जो क्यूब देखें तो हमें जो यूनिट प्लेस पर मिल रहा है, सी हियर एंड यू कैन गो फॉर मोर लाइक 8, ये 2 0, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट या व्हेन वी फाइंड आउट द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स द क्यूब दैट वी रिसीव इज आल्सो इवन. तो यहां पे हमने क्या देखा, क्यूब्स आर आल्सो इवन, ठीक है. नेक्स्ट ये कैसे नंबर है, दीज आर ऑड नंबर्स, दीज आर ऑड नंबर्स है या नहीं है. नाउ लुक एट द क्यूब 3 9 9 और देखते हैं 5 5 13 7 1 1. सो दिस मीन्स व्हेन वी फाइंड आउट द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स हमें द नंबर्स दैट वी गेट विल बी ऑड. इज दिस थिंग क्लियर टू यू. नाउ जैसा आपको याद है स्क्वायर स्क्वायर रूट में वी हैव ऑलरेडी डन, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइक 1. 1 का तो बहुत सिंपल है, हमारा फर्स्ट का क्या आंसर आया, वंस प्लेस पे क्या होगा, हमें 1 ही मिलेगा. मीन्स अगर 3331 को 3331 को इफ वी मल्टीप्लाई थ्राइस तो वंस प्लेस पे वी विल गेट 1. ऐसी सेकंड का देखते हैं, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या होगा, हम सबसे पहले 8 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे गेस कर लेंगे 8 into 8 into 8, 8 8 is 64 64 into 8 8 4 is 32. तो सबसे पहले हमारा क्या नंबर आ जाएगा 2. ऐसे ही फाइंड करेंगे 999, ठीक है, 99 is 81 और इफ 9 से करेंगे 9 1 is 9. सो थर्ड का आंसर आ गया हमारा 9. वुड यू लाइक टू ट्राई सम मोर, चलिए आपके साथ करते हैं. फोर्थ का 5 है तो 5 5 is 25, 25 into 5 5 5 is 25, तो ये हमारा आ गया 5. हाउ अबाउट 4, तो 4 4 is 16 है ना, 16 into 4 4 6 is 24. सो बस आप क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक आउट द वंस नंबर एंड मल्टीप्लाई थ्राइस, इजिली यू कैन गेट के विच नंबर विल कम व्हेन वी राइट द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स. तो जो उनकी वंस प्लेस पे यू कैन इजिली टेल इट. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड टुडे वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब्स ऑफ नंबर्स. इन द कमिंग सेशंस वी विल लर्न मोर अबाउट द क्यूब रूट्स. So keep on revising, keep on learning. Bye.